ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट जॉब्स 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके आगे किसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी है। पोस्ट नेम ट्रेड्समैन, पोस्ट की ट्रेड्समैन मेट की निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 554 है, यानी कि इसके अंदर कुल 554 पद खाली है जो कि इस भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। जॉब कैटेगरी इंडियन नेवी जॉब्स। जॉब लोकेशन साउथर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नेवल कमांड्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेवी यानी कि साउथर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नेवल कमांड्स के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी सिलेक्ट हो जाने के बाद। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 2 मार्च सुबह 10 बजे से, लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक। यानी कि आपको अपना फॉर्म 2 मार्च सुबह 10 बजे से लेकर 15 मार्च शाम 5 बजे तक ही अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.nic.in और इसके अलावा joinindiannavy.gov.in इन वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास 10th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन की योग्यता है तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ द मार्क्स, यानी कि आपके पास जो 10वीं 12वीं पास की योग्यता या ग्रेजुएशन की योग्यता है उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा आपसे कोई और योग्यता नहीं मांगी गई है। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है वही लोग सिर्फ इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी, दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को इसमें आवेदन करने के लिए ₹250 यानी कि ₹250 एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स सर्विसमैन वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स को इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो लोग फ्री में आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो किया जाएगा, यानी कि आपका जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो होगी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि इसके अंदर फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। ये पहली भर्ती होगी शायद 2019 की जिसमें आपसे फिजिकल टेस्ट नहीं मांगा गया हो, क्योंकि जो ज़्यादातर जो जॉब्स निकलती है नेवी के अंदर उसमें फिजिकल जरूर होता है, लेकिन इस भर्ती में कोई फिजिकल नहीं है। आपका बस स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ना इसमें इंटरव्यू है आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो लोग इन तीनों टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी, यानी कि इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको जो सैलरी दी जाएगी वो सीपीसी लेवल 1 के अंदर आती है, जो कि है ₹18,000 से लेकर ₹56,900 पर मंथ आपको दिए जाएंगे इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। अब मैं आपको बताता हूं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्ट नेम है ट्रेड्समैन मेट, जो कि हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम HQNC के अंदर है। और अब बात होती है कि ये वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए कितने निकाली गई है, तो चलिए जान लेते हैं। जनरल के लिए 20 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। अब दूसरा जो आपका ट्रेड्समैन पोस्ट किया है, जो हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई के अंदर है, इसमें जनरल के लिए 227 पद है, एससी के लिए 58 पद है, एसटी के लिए 24 है, ओबीसी के लिए 143 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद निकाले गए हैं। और तीसरा जो आपका ट्रेड्समैन मेट हेडक्वार्टर्स साउथर्न नेवल कमांड है कोच्चि, इसके अंदर जनरल के लिए 2 पद है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए भी 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पद निकाला गया है। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ, जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर अनाउंस किया गया है। दोस्तों, जो आपका एग्जाम रहेगा उसके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, इसके लिए भी आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरा आपका जनरल इंग्लिश होगा, इसके लिए भी आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और चौथा आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इसके लिए भी आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। दोस्तों, अब बात आती है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक के बारे में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों, उससे पहले एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर लेते हैं। इसमें आवेदन शुरुआत होने की तिथि 2 मार्च 2019 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2019 है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक की बात की जाए तो
मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फॉर्म भरने यानी कि फिल होने शुरू नहीं हुए, जो कि 2 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू होंगे, तो अभी वो अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, 2 मार्च के बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको अभी अभी देने वाला हूँ, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो के अंदर भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से प्रकाशित हुआ ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। यहां पर दिया गया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, तो आप यहां पर चेक कर सकते हो। और यहां पर सभी कमांड वाइज बताया गया है कि कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए निकाली गई, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं, और सैलरी के बारे में भी यहां पर दिया गया है। कैटेगरी के बारे में एज रिलैक्सेशन, यानी कि मैंने आपको जो अभी एज लिमिट के बारे में जानकारी दी है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन जानना यानी कि आयु सीमा में किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई, तो आप यहां पर देख सकते हो। यूआर को 3 साल की, ओबीसी को भी 3 साल की, एससीएसटी को 8 साल की, 3+5 ईयर, तो आप यहां पर सभी जानकारी चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस के बारे में भी यहां पर ऑफिशियल जानकारी दी गई है। जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो सभी जानकारी इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आप यहां पर रीड कर सकते हो कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर लगने वाला है, तो उसके बारे में आप यहां से जानकारी देख सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी, स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम जो कि मैंने आपको बता दी है। अब आता है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। दोस्तों सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन के लिए आप यहां पर देख सकते हो कि जो आपका सब्जेक्ट है उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। वैसे मैं इसके बारे में सिलेबस के और एग्जाम पैटर्न के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। मैं अभी इस वीडियो के बाद में ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, उस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके बारे में, और जो मेन जानकारी वो मैंने इस वीडियो के अंदर सभी कवर कर ली है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए, तो पहले तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना आपका एक बार बनता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी होती है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन रीड करने के बाद भी आपसे कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है या कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट में आपसे यह कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।